चलिए तो ये भाई ये घटना सार के लिए हम लोग जो है जनवरी टू जून वाला जो 6 महीने का आया है करंट, वो उसका तीसरा लेक्चर हम देख पढ़ेंगे आज। ये दो लेक्चर हो चुके हैं जनवरी टू जून तक उसका कवर है, तो उसमें आप लोग ने यहाँ तक काफी कुछ पढ़ लिया है, कुछ पेजेस पढ़ लिए हैं। ठीक है, आगे हम लोग कल के बाद से कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने 10 11 पन्ने पढ़ लिए थे, हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, ये भी सब। चलिए 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 यहाँ से चलिए पढ़ना यहां से पढ़ना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा वड़ा कुछ होगा, कोशिश की होगी पढ़ने की, नोट्स को देखा होगा दोबारा कि ऐसी किताब कॉपी बंद कर दी थी। चलिए पूछेंगे, बस पता लगेगा क्या किया आपने। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स है, पहले वाला राष्ट्रीय इवेंट्स थे, अब इंटरनेशनल वाला आ गया। ठीक है, करना क्या है, जो अंडरलाइन है उनको खाली लिखना है और आगे अलग आंसर लिख देना है, इससे कि आपके शॉर्ट नोट्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी स्पीड तेज रखनी है क्योंकि तो थोड़ा तेज पढ़ाना हम लोग पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए, जून 26 को अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला सवा देश कौन सा बना है, 100 देश, यानी इसके इतने मेंबर बन चुके हैं, सवा देश बन चुके हैं, तो कौन है ये? पैराग्वे, पैराग्वे कहते हैं इसको। कहां पर है पैराग्वे, किस कॉन्टिनेंट में है पैराग्वे? साउथ अफ्रीका। गलत, पैराग्वे कहां पर है? गलत, साउथ अमेरिका में है पैराग्वे। ब्राजील के पास देखिएगा, वहां पे आपको एक कंट्री दिखाई देगी पैराग्वे, आपको वहां पर दिखाई देगा आपको। ठीक है, हाँ वही वही, ठीक है, अर्जेंटीना ब्राजील के आसपास ही पैराग्वे आपको दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये सवा देश बना है। चलो ये तो हो गया, सवाल ये आता है कि ये है क्या चीज इंटरनेशनल सौर संगठन, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? 2015 में जब मोदी जी आए, 2013 के बाद, 14 के बाद, तो मोदी जी ने एक फ्रांस के साथ मिलकर एक अलायंस स्टार्ट किया था, इसका नाम है इंटरनेशनल सौर संगठन। मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सौर संगठन, फ्रांस में इसमें सपोर्ट किया था। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, कहां पर है? गुड़गांव, गुरुग्राम। ठीक है, और वहां पर ये कोशिश की जा रही थी कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कंट्रीज हैं जिसके मेंबर बनेंगे उनके बीच में जो सोलर एनर्जी को लेकर जो है वो आराम से चीजें मैनेज हो जाएं, वहां पर वो लोग उस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ठीक है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में। ठीक है, तो सवा देश है, अभी एक देश और आएगा, 99वां देश भी आएगा, तो 100, ये और इंपॉर्टेंट है, सवा देश बनाए तो 100 सवा देश इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नजर रखना इस पर। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर आया है? हमारे देश का चंद्रयान गया था, तो चंद्रयान के साथ साथ और भी दूसरे देशों ने अपने अपने मिशन भेजे हैं, जिसमें से चाइना ने चैंग E6 मिशन भेजा है, चाइना का है ये चैंग E6 मिशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चंद्रमा से ये रेत और पत्थर लेकर आया है, ये उसके नमूने लेकर आया है जो कि यहाँ पे स्टडी किए जाएंगे कि भाई चंद्रमा पे किस तरह का जो है मिट्टी है, किस तरह का पत्थर है, उसको स्टडी करने के लिए चांग E6 मिशन है ये, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चाइना का है ये चांग E6 मिशन। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मतलब, ट्रॉपिकल का मतलब उष्णकटिबंधीय, यानी ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल कहते हैं, ये अगर हमारा अर्थ है, और ये हमारा जो है कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा, और ये बीच में हमारे जो है वो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है, तो ये जो इलाका होगा, ये जो इलाका है इसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, पता है ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स, क्या होते हैं वेटलैंड?
वेटलैंड्स क्या होते हैं? हाँ, पानी वाला इलाका, तालाब। ठीक है, दो तरह के होते हैं, जैसे कि इंसानों द्वारा बनाए गए और अपने आप स्वतः भी होते हैं। ठीक है, तो वो तालाब वालाब के इलाके जो होते हैं उसको हम लोग आर्द्रभूमि कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंट पानी से रहेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सूख जाते हैं, फिर दोबारा बरसात होगी फिर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटनल, पैंटनल देखो, उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटनल में लगी भीषण आग के कारण किस देश के हाल में आपातकाल की घोषणा की गई है? ब्राजील। ब्राजील कहां है? ब्राजील कहां है, किस कॉन्टिनेंट में? ब्राजील साउथ अमेरिका। अरे मैं अभी तो बोल रहा था कि पैराग्वे का जो है रिश्तेदार है बगल में, पड़ोसी है, ये बोल रहा था ब्राजील। ब्राजील के बारे में कुछ पता है आपको? ब्राजील किस रूप में आप ब्राजील को इमेजिन करते हो? किस रूप में आप ब्राजील को इमेजिन करते हो? मतलब आपने नाम सुना ब्राजील का, क्या है वहां पर, कुछ किसी से मतलब कोरिलेट कर पाओ? फुटबॉल टीम, ब्राजील की सबसे कोई फेमस कोई चीज है तो फुटबॉल टीम है। ठीक है ना, और आप स्पोर्ट देखते ही नहीं हो, तो जो लोग ब्राजील को जो फुटबॉल नहीं देखते उनको ब्राजील के बारे में बहुत कम जानकारी हो सकती है। ठीक है, एक जगह पर और आता है ब्राजील, कहाँ आता है? ब्रिक्स में। नाम सुना ब्रिक्स का? ये नाम सुना है? बी फॉर ब्राजील ही है, भारत नहीं है। ठीक है, आई फॉर इंडिया है। हाँ, सी फॉर, एस फॉर साउथ अमेरिका, सऊदी अरब। आप बताइए, आप भी तुक्का मान लो, आप बताओ तुक्का। एस फॉर शिप। साउथ अफ्रीका। कौन? साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलो पढ़ाएंगे ब्रिक के बारे में तो देखेंगे। अब यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज आई है, ब्राजील है। अभी खबर अपने आप इंपॉर्टेंट है ये। अब वो या तो इस तरह से पूछ सकता है कि कहां पे आग लगी, पैंटनल कहां पर है, कहां पे आग लगी, ब्राजील में लगी आग। ये भी पूछ सकता है कि पैंटनल कहां पर है, या पैंटनल क्या चीज है? जंगल है, वही जंगल, समुद्र का पानी है, मतलब समुद्र नहीं सॉरी तालाब टाइप का गीला, मतलब नदी के किनारे जो होते हैं दलदली इलाके, या तालाब भी होगा बड़ी सी, तो वहां पे पेड़ भी है, पानी भी है, सब तरह का चीजें है वहां पे। ठीक है, वहां पे आग लग गई थी, तो बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई है पैंटनल के अंदर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों रूप में आ सकता है कि आग कहाँ लगी, पैंटनल के पैंटनल में जो आग लगी कहाँ लगी है, ब्राजील के अंदर लगी है, सवाल इस तरह पूछ सकते हैं, या वो मैच द फॉलोइंग का सवाल ला सकता है कि पैंटनल क्या चीज है, तो वो है उष्णकटिबंधीय अर्धभूमि है। ठीक है, ग्रास लैंड नहीं है, क्योंकि वहां ब्राजील में ग्रास लैंड भी होते हैं, समझ करना है बहुत। वैसे बता, ज्योग्राफी का बहुत अच्छा सवाल बन के आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, तो ध्यान रखना है पैंटनल पे, नजर रखना है। आर्द्रभूमि पैंटनल को दक्षिण अफ्रीका के तीन देश, अभी कहां कहां पर है देखिए, जो ये पैंटनल है ये तीन देशों में सामने आता है, बोलिविया, ब्राजील और पैराग्वे में आता है। तो सिर्फ ब्राजील में नहीं है, इसका जो इतना बड़ा इलाका है कि ये बोलिविया बगल में कंट्री है, ब्राजील है और जो है पैराग्वे, ये तीनों कंट्री के में ये आपका पैंटनल आर्द्रभूमि है। ठीक है, सिर्फ एक देश का नहीं है, तीन देशों का, लेकिन जो ब्राजील का हिस्सा था वहां पर आग लगी है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, तीनों देश, तीन देशों में फैला हुआ है, लेकिन जो आग लगी है वो ब्राजील वाले हिस्से में आग लगी है। ठीक है, ये सवाल इस तरह भी हो सकता है कि भाई बता दो पैंटनल जो किस किस देश से संबंधित है, तो बोलिविया, ब्राजील और पैराग्वे, इस तरह सवाल पूछ सकता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? जून 2024 के किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब कि बोला कि हम भाई ये से कपड़े नहीं पहनने हैं यहां पे? कौन सा देश है? तजाकिस्तान। नाम सुना है तजाकिस्तान का? कहीं पर नाम सुना है तजाकिस्तान? कहां पर है तजाकिस्तान? तजाकिस्तान कहां पर है? तजाकिस्तान कहां है? एशिया में कहां है?
कहाँ पर होगा, इसके आसपास का कोई लोकेशन बताओ मुझे कि पता लगे कि आपको देखा था राजस्थान। सेंट्रल एशिया, हाँ सेंट्रल एशिया के अंदर से है, ठीक है, यानी कि जो आप अफगानिस्तान से ऊपर जाओगे ना, इंडिया है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान, उसके बगल में अफगानिस्तान, उसके ऊपर जब जाते हो तब आपको वहाँ कुछ कंट्रीज मिलते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान आ गया, कजाकिस्तान आ गया, तजाकिस्तान आ गया, तो ये उस जगह पर तजाकिस्तान है। उन्होंने ये जो है हिजाब और इस्लामी परिधान को बैन कर दिया है। वैसे अच्छी खासी पॉपुलेशन तजाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की है, लेकिन वहाँ रशियंस भी रहते हैं और भी धर्म के लोग वहाँ पर हैं, लेकिन इन्होंने इसे बैन कर दिया। ठीक है, हाल में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली, यानी कि ऐसी सेना जो इंसान नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कोई भी इंसान नहीं है, मानव रहित है, यानी मशीन मशीन होगी, ठीक है, कहां प्रारंभ की गई है? यूक्रेन में, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वैसे वहां पे लोग बहुत कम रहते हैं, तो उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए रखे हैं, ठीक है, तो यूक्रेन के अंदर है ये। हाल में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली जो है वो यूक्रेन में है, ठीक है, आगे बढ़े। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी पशुओं के डकार पर, पशु डकार रहते हैं, आप खाना खा डकार लेते हो, है ना, क्या बोलते हैं डकार को इंग्लिश में? बर्फ, ठीक है, तो बर्फ टैक्स लगाया था, समाप्त कर दिया, ये बर्फ लिखा हुआ है, बर्फ होता है, डकार होते हैं ना आप लोग, तो अंग्रेजी में डकार, बर्ब बर्ब बब बर्ब होता है, BURP बर्ब होता है ना, साइलेंट कर देते हैं, जब साइलेंट ही करना था तो डाला क्यों उसको? चलिए ठीक है, मुझे तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती भाई, सीधी सी बात है, अंग्रेजी के रूल्स मतलब अनजान आदमी के लिए तो है ही नहीं, मतलब कोई पहले तो किसी को अंग्रेजी बोलना आती हो, उसका उच्चारण आता हो उसको, तब तो दूसरा आदमी सीख पाएगा, नहीं तो वो जा रहा, वो जो अगर लिखा हुआ पढ़ेगा तो गलत ही पढ़ते आ जाएगा वो, ठीक है। हाँ अब ये बताओ, अब आपका सिविल सर्विसेज पे आ जाते हैं कि पशु डकार ले रहे हैं, तो जितने पर डकार लोगे तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट्स इट, गुड, ये हो गया, पीसीएस वाले बच्चे बत्ती जल गई इनकी, क्योंकि तो डकार से मीथेन निकलती है, ठीक है ना, तो मीथेन से क्या होता है बता दो, मीथेन से ग्रीन हाउस गैस, मौसम वातावरण गर्म हो जाता है, ठीक है ना, तो ये कहाँ क्या है, न्यूजीलैंड के अंदर, तो ये समाप्त कर दिया, बड़ा वो हुआ यार कि क्या बवाल है ये, क्या फालतू बातें हैं, एक आदमी एक पशु जो है डकार भी नहीं ले सकता, आपके पर्यावरण के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई तब ने आपको वो चिंता नहीं है, और पशु बेचारा चारा खाने के बाद तो डकार भी ना ले, है ना, तो ये विरोध के बाद न्यूजीलैंड के अंदर कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है ये डकार वाला, ठीक है, आप लोग डकार लेते हो आपके, देख लो क्या खाया आपने, वेज खाया नॉन वेज खाया है क्या, ठीक है, डकार से ना खाना पचता भी है, पचने ठीक है ना, तो खाना पचता तो वो केमिकल रिलीज होते हैं ऐसे, जैसे कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल हार्मोन्स, जैसे कि खाना पच जाता है, और छोटे बच्चों को तो वैसे दूध पिलाने के बाद उन्हें डकार दिलाना जरूरी होती है, बिना डकार दिलाए अगर आप उनको ऐसे सुला दोगे तो उल्टी कर देते हैं, वो नीचे नहीं जाता ना डकार से, वो डकार लेने का मतलब है कि दूध नीचे गया, पेट के अंदर चला गया, तो ऊपर ही ऊपर आ जाता है गले के अंदर, पीठ में आपको रगड़ना पड़ता करके बच्चों को, तब जाके ढक 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 करते रहो तब जाके वो डकार लेते हैं, ठीक है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल में ही बना है, कौन सा? थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड कहां पर है पता आपको? थाईलैंड कहां है, कौन से कॉन्टिनेंट में थाईलैंड है? ना? एशिया में थाईलैंड है, देखा मैप में थाईलैंड कहां पर है, अगर मान लो ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा आगे जाओगे बस थोड़ा सा, ये यहां पर, ठीक है, ये थाईलैंड है आपका, कर लो कम कर लो, कम कर लो, हंडर हो गया, हाँ वही कर दो, जल्दी हो रही है, ठीक है, थाईलैंड यहां पर, तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए ऐसे पर्पस जाते हैं आराम थाईलैंड, ठीक है, तो वहां पर ये इस तरह के विवाह को वैध कर दिया गया है, ठीक है, मतलब कि अलाउ कर दिया, लीगली अलाउ कर दिया गया है, ठीक है।
तो पहला देश बना एशियाई बना। अच्छा जून 2024 में सिप्री, सिप्री क्या चीज है, सिप्री क्या करती है, नाम सुना सिप्री का, करंट अफेयर्स अगर लगातार पढ़ोगे तो कई बार सिप्री का जिक्र होता है। सिप्री जो है एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, स्वीडन की ऑर्गेनाइजेशन है। स्वीडन कहां पर है, एस फॉर स्वीडन है, ठीक है, स्वीडन की ऑर्गेनाइजेशन। स्वीडन कहां पर है, स्वीडन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, नाम सुना स्वीडन का, हैं कहां है स्वीडन, तो कहां है स्वीडन, हमको क्या पता था, हम तो हम नहीं गए कभी, हैं कहां है स्वीडन पता है, नॉर्थ यूरोप में, यूरोप है उसके ऊपर, जैसे कि आपने देखा स्पेन देखा उसका कि फ्रांस देखा, फ्रांस के ऊपर आपका जो है जर्मनी आता है, जर्मनी के ऊपर जाके जहां पर वो डेनमार्क, जहां पर डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड वहां पर है, वहां पर स्वीडन है, ठंडा इलाका नॉर्थ ऑफ यूरोप में है स्वीडन। पहुंचे कि नहीं पहुंचे अभी तक, मैप तुम लोग खोल के पढ़ने पढ़ाने वाला है। हाँ लग रहा है तुम लोग की हालत देख के लगता है, ठीक है समझ में आ गया, नॉर्थ ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के उत्तरी हिस्से में ऊपर साइड में जो है यूरोप का हिस्सा है स्वीडन, वहां की ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करती है, ये जितने भी हथियार वगैरह होते हैं उसको हर साल एक रिपोर्ट निकालती है, जिसके अंदर दुनिया भर में जितने भी हथियार हैं उनके ऊपर क्या काम हो रहा है, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन हो रहा है, कौन सी कंट्री जो है ज्यादा वो हथियार खरीद रही है, कौन सी कंट्री ज्यादा बेच रही है, इस तरह की जो हथियारों वाली जो चीजें हैं वेपन वाली वो सब जो है सिप्री निकालता है। और ये काफी ऑथेंटिक और काफी रिनाउंड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और मेंस वगैरह में आप इन इस सिप्री का जो है कई बार आपको जो है वो रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ईयरबुक निकाली, हथियार निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट। हथियार वेपन निशस्त्रीकरण क्या होता है, डिसआर्मामेंट, देख के डिसआर्मामेंट क्या मतलब, कहा था मैं कहा था ना, पता था मुझे वो नीचे नहीं आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, चलो चलो निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, बोले हैरी पॉटर पीछे देखिए, हैरी पॉटर में जब भी आपने डब वाली देखोगे ना हिंदी डब वाली होगा, निशस्त्र भवा, निशस्त्रीकरण मतलब कि डिसआर्मामेंट, इसका मतलब डिसआर्म हो जाए, यानी कि जो हथियार है वो ना रहे, गिर जाए या हो जाए, तो इसे ठीक है। थोड़ा मैं ज्यादा आपको पिक्चर बता दिया ज्यादा, लेकिन डिसआर्मामेंट क्या होता है, ठीक है। आप पिक्चर भी यार गौर से नहीं देखते हो यार, मुझे बस दुख इस बात का कि आप मेरे साथ रह के यहाँ पर पढ़ रहे हो, पिक्चर को हर एक डायलॉग को हर एक सीन को बहुत गहराई में देखोगे चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो निशस्त्रीकरण का मतलब है कि डिसआर्म, यानी कि सरकार देशों के पास हथियार ना रहे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर रिपोर्ट बनाई जिसमें दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है, रूस के पास है, ठीक है। किन किन कंट्री के पास परमाणु हथियार है, कौन कौन सी कंट्री बस, चलो इंडिया, अमेरिका, चाइना, रूस और पाकिस्तान और कौन सा कोरिया, दो कोरिया हैं, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और भारत का जिगरी दोस्त, नहीं, सच्चा वाला दोस्त इसराइल, ठीक है ना। और कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान है, ठीक है, सऊदी अरब वगैरह है, ये सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए ठीक है। तो ये रिपोर्ट थी रूस, इंडिया के पास लगभग 170 अत्तर के पास हथियार है, बम है, ठीक है, इनके पास 10-10, 15-15 हजार है, ठीक है। एक ना एक अमेरिका और रशिया के बीच में स्टार्ट स्टार्ट नाम की एक प्रोग्राम तैयार हुआ, स्टार्ट, ठीक है, इसमें कि दोनों देशों ने ये डिसाइड किया था कि हम अपने अपने हथियार कुछ कम करेंगे, परमाणु हथियार, तो ये आता है, लेकिन चलो एग्जाम में करंट अफेयर्स नहीं है क्योंकि थोड़ा सा पुराना है, ठीक है छोड़ देता हूँ। इटली में जून 24 में संपन्न G7, जी फॉर क्या होता है, G7 का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7, G7, ठीक है,
यानी कि सात लोग, सात देशों का एक ग्रुप है, उसका शिखर सम्मेलन। शिखर का मतलब क्या होता है? छत पे बैठ के। अगर आपके कभी पेपर में आता है कि शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका क्या समझोगे आप? हाँ, शिखर का मतलब होता है कि उस देश का टॉप बंदा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ठीक है। समिट, समिट का सम्मेलन, इंग्लिश में समिट बोलते हैं। समिट का मतलब टॉप, समिट का मतलब ये होता है, ये समिट करते हैं। तो किसी देश का कभी समिट मीटिंग होगी, शिखर सम्मेलन होगा, तो मतलब उस सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो होगा वही पार्टिसिपेट करेगा। वहां फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जाएगा, वहां डिफेंस मिनिस्टर नहीं जाएंगे, ठीक है। समझना ये सब छोटी बातें, इसलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा समझा रहा हूँ, एक एक शब्दों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज दिमाग खोल कर समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो पता लगता कि आप लोग रीड करते हो, वो देखा और भूल गए, ठीक है। तो शिखर सम्मेलन हुआ है G7 कंट्रीज का। वैसे तो पूछा गया था G7 कंट्री में कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें इटली में हुआ था, और यूक्रेन को कितने अरब डॉलर का ऋण देने की बात हुई थी मोदी जी का, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे ना तीसरी बार, सीधे प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां इटली में गए थे। इंडिया मेंबर नहीं है G7 का, इंडिया G20 का मेंबर है, ठीक है। G7 में खाली वहां पर ये ऐसा गेस्ट कहते, क्योंकि जो ऐसा होता है कि जो लोग मेंबर होंगे वो तो होंगे होंगे, कुछ लोग ऑब्जर्वर के रूप में आते हैं कि भाई क्या हो रहा है, देखें हम भी देखें, ठीक है। तो इंडिया ऐसा ऑब्जर्वर गया था वहां पर, मोदी जी कहते हैं। तो यूक्रेन को कितना पैसे, 50 अरब डॉलर का ऋण देने की बात बोल रही है कि भाई इतना पैसा दे दो कि वो रशिया से लड़ सके, ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बोर नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे? नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल में ही मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमय सफेद रंग का पत्थर को देखा है, जिसका नाम दिया गया है एटको पॉइंट। अब पहले मुझे 3-4 शब्द बताओ इसके अंदर। पहला शब्द यह है कि नासा किसकी संस्था है, किस देश की संस्था है, क्यों नासा किस देश की संस्था है, कहां पर है नासा, कहां है नासा, नासा कहां है क्या चीज पता है क्या है, किसका रिसर्च सेंटर, स्पेस का, कहां है, किस देश का है, चलिए अमेरिका का, अमेरिका का स्पेस जो है। जैसे इंडिया कौन सा है, इंडिया कोई है, इंडिया है कोई, है कोई इंडिया का, कौन सा है, कल क्लास में थे, क्लास में थे कल, इसरो, इसरो जाओगे तुम, बताओ उसरो की इसरो, ठीक है। अरे भैया थोड़ा तो होश में रहो यार, इंडिया का इसरो है, ये सवाल आता है, ठीक है। जैक्सा किसका है, जापान का, ये मैच द फॉलोइंग सवाल आ चुके एग्जाम में है, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं अपने मन से बता रहा हूं मैं, बस यार प्लीज क्लास में अगर मैंने बता दिया है तो कम से कम उसको तो याद रखो ना। अगर नहीं बताया है तो चलो मान सकता हूं कि आपका करंट अफेयर्स कमजोर है, मैं इस बात को एग्री करता हूं, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन अगर मैंने बता दिया, इतनी समय लगा के पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे एक शब्द पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ाता है यार एक शब्द, तुम्हें बताओ यार, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि सिविल सर्विस तैयारी कर रहा है, इतना आता ही होगा। नासा जो है अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है स्पेस पे जाके देखना कि क्या हो, रिसर्च करना, चांद पे भेजना, मंगल पे भेजना, कहां भेजना, ठीक है। उसका एक, उसने मंगल ग्रह पर अपना एक रोवर भेजा, इसको बोलते हैं परसिवरेंस। अब देखो दो चीज समझो, पहले तो समझो रोवर क्या चीज होती है, क्या होता है रोवर, तीन चीजें होती है, मंगलयान गया था, चंद्रयान मंगलयान जाते हैं, मतलब चंद्रयान जाता है, गया था इंडिया का चंद्रयान। तो वहां पे तीन शब्द आते हैं, आपको बार बार सुनूंगे, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, क्या फर्क है तीनों के अंदर, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर में फर्क क्या है,
थोड़ा दिमाग की तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें इनके लोग, बताइए। क्योंकि सवाल में ये पूछ सकता कि अगर चंद्रयान से गया हुआ तीनों का नाम, सबके तीनों के नाम अलग अलग थे है ना, मतलब मुझे बताओ मतलब क्या है। अब पेपर तो पढ़ोगे नहीं, टाइम नहीं है, ना न्यूज सुनोगे, बस रात को तपस्या करो तो अपने आप ऑटोमेटिकली फिर आ जाएगा दिमाग के अंदर। मान लो कि ये ग्रह है मंगल ग्रह, चांद, मैं चांद का एग्जाम्पल लेके दे रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने चांद पे भेजा, मंगल पे तो गया था तो वहां पर वो नहीं गया था, यहां से गए। अब पृथ्वी से गया यहां पर एक आपका जो सेटेलाइट गया, जाने के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले एक जो है मेन स्टेशन बनता है यहां पर, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑर्बिटर, ये ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होता है ठीक है, ये कनेक्शन डेवलप करेगा ऑर्बिटर, ऑर्बिटर कहते हैं इसको ठीक है। फिर यहां से एक जो है लैंड करेगा, एक मशीन पैराशूट के माध्यम से लैंड करता है ठीक है, कि भाई ऊपर से छोड़ा जाएगा धरती पर, जो चांद है चांद की जमीन पर गिरेगा उसे बोलते हैं लैंडर, क्या बोलते हैं लैंडर, लैंड क्या। जब पहली बार अपने हमने चंद्रयान में भेजा था तो जो लैंडर ही गड़बड़ा गया था, वो एक क्रैश हो गया था, ये तक तो ठीक चल गया था यहां तक तो, जब यहां पहुंचा तो लैंडर से वो टकरा गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई उसकी, वो बहुत तेजी से नीचे गिरा तो ध्वस्त हो गया। जब सेकंड टाइम गिर गया नीचे जब उतर गया तो उतरने के बाद ये बक्सा खुलता है ना, और उसमें से एक छोटा सा एक टॉय टाइप का निकलता है बाहर, एक खिलौना, जो कि ये तो यहाँ ये तो उतर गया, ये इसका तो पैराशूट के माध्यम से उसको उतार दिया जाता है ठीक है। लेकिन जब उतर जाता है तो उसके बाद ये एक खिलौना टाइप का निकलता है जो कि बाहर जाकर आसपास घूमता है, इस इलाके में घूमता है और वहां पर जो भी मिट्टी के और पत्थर के जो भी चाहिए होता है, जो भी उसको स्टडी करना होता है वो ये करता है, इसको बोलते हैं रोवर, रोवर मीन्स घूमना ठीक है ना, रोवर। तो ऑर्बिटर, लैंडर और हो गए रोवर ठीक है। तो हमारा जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और जो हमारा रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, क्या था बताओ फिर से, जो हमारा लैंडर था उसका नाम क्या था, विक्रम, और जो रोवर था वो क्या था, प्रज्ञान। समझ में आ गया बेटा, बहुत भारी हो गया क्या, क्या करें बेटा, थोड़ा सा समझ रहे हैं चीजें भारी भारी हो रही हैं, लेकिन क्या करें बेटा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी है, समझना तो है, हर चीज समझनी है। आप सरल करके दे देते हैं सब, तुम लोग फिर रिवीजन भी तो नहीं करते ना फिर है? तुम एक काम करो, लात मार गिरा ही दो कैमरे को पहले, तो तुम इसे खत्म करो यार कैमरे का, जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे बेटा तुम लोग, जब तक तुम लोगों के फंडे क्लियर नहीं होंगे, एक तो पहले ही बहुत गैप है और रिवीजन के बाद तुम लोग नहीं करते हो तो जो एक छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, इसके मतलब भी तुम याद रख नहीं पाते हो, भूल जाते हो तुम लोग। या आपको मेहनत करनी है, मुझे मेहनत नहीं है, मेरा काम तो करना है ही जो करा रहा हूं मैं। अब देखो सवाल, ये सवाल जो हम अभी डिस्कस किया, ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट, चाहे तुम कोई सब एग्जाम दोगे, विक्रम और प्रज्ञान इन सबके बारे में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा आगे तक ठीक है। अब आगे सुनो, सवाल कैसे पूछते हैं आपसे, वो जो एग्जाम में आया हुआ है पीसीएस वगैरह में, अलग अलग देश, सुनो, अलग अलग देश अलग अलग समय पर अपने जो है मिशन भेजते रहते हैं, जैसे कि इंडिया ने मंगल ग्रह में भेजा मंगलयान, चांद भेजा चंद्रयान ठीक है, उस तरह अमेरिका भेजता अलग अलग जगह पर, कभी बुध ग्रह भेजेगा, बुध ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, बुध बुध अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बुध को, मरकरी है ठीक है, तो बोलो ना ठीक है, वहां पर अलग जाएगा जहाज, वीनस, वीनस को क्या बोलते हैं, शुक्र, तो शुक्र पे अलग जाता है ठीक है, मंगल पे अलग गया है, तो आपसे वो बैच द फॉलोइंग के सवाल करा लेगा, आपसे पूछ लेगा ये बताओ मरकरी में कौन सा गया है, शुक्र पे कौन सा गया है, और मंगल पे कौन सा गया है, जुपिटर के लिए कौन सा गया है, कौन कहाँ गया हुआ है, ये आप करंट अफेयर से पढ़ोगे तो ध्यान रखना है इन सब चीजों का
जैसे यहां पर कौन सा गया है, परसिवरेंस रोवर गया है, ये वो नहीं है, सेटेलाइट नहीं है, मिशन नहीं है, पर रोवर है, घूम रहा है। लेकिन अगर रोवरों के नाम आएगा, जैसे चंद्रयान का आ गया, प्रज्ञान आ गया, तो ये उसमें आ जाएगा, परसिवरेंस आ जाएगा, ठीक है। परसिवरेंस मंगल में जाता है ये परसिवरेंस, ठीक है। इस तरह सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखना है कौन कौन से, फिलहाल जो 4, 5, 6 जो जितने भी चल रहे होंगे उन पर नजर रखनी है। जैसे कि वॉयजर 2 पूछा था, क्या है ये, क्या है वॉयजर? हाँ, वो ऐसा मैन मेड मशीन है या स्पेस शटल जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया है, पहला अभी तक एकमात्र, कि वो पार हो गया, जुपिटर भूपिटर निकल के वो चला गया, आ गई शनि वनी ग्रह पार कर चुका है, अभी तक इतनी दूर कोई, और अभी जा ही रहा है, वो चला जा रहा है। ऐसा कही है 1970 में भेजा गया था, 78 भेजा गया था, वो चल रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर ना क्या हुआ कि देखा गया कि काले पत्थर पड़े हुए हैं, इन काले पत्थर के बीच में अचानक से देखते कि एक सफेद पत्थर आ गया है, बड़े बड़े पत्थर हैं, फोटो में बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो वहां पर सब काले काले पत्थर है मंगल ग्रह में, लेकिन उनके बीच में एक सफेद पत्थर दिखाई देता है। अब वो क्यों है सफेद पत्थर, समझ में नहीं आ रहा, तो उसी को भी फिलहाल नाम दे दिया गया है एटोको पॉइंट, दे दिया गया है। अगल बगल सारे काले पत्थर पड़े हैं, बीच में सफेद पत्थर पड़ा हुआ है। अब मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोगों की जिज्ञासा है कि गूगल पे जाके सर्च करके इसी को देख पाए, देखेंगे आपके अंदर वो जिज्ञासा आती कि नहीं आती है, ठीक है ना। अगर दूसरा पीडीएफ होता तो शायद मैं आपको फोटो दिखा भी देता, लेकिन यहाँ पे फोटो नहीं डाल रहे हम लोग। चलिए, किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है? CSTO क्या है, आपने नाम सुना है नेटो का? नाम सुना नेटो का, क्या है नेटो, क्या है नाम सुना नेटो, क्यों तुमने सुना है, क्या है सुना है, पता नहीं है तो ठीक है। नॉर्दर्न अमेरिकन ने, हाँ नॉर्दर्न अटलांटिक, सॉरी अमेरिका नहीं है, नॉर्दर्न अटलांटिक, हाँ क्या है, तो है क्या एक समूह, आप समूह में करता क्या समूह है, नहीं। अमेरिका ने नेटो बनाया, किसने बनाया, अमेरिका ने नेटो बनाया, एक ग्रुप बनाया, और इस बोला कि इस ग्रुप के अंदर जो जो कंट्री ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उनकी सुरक्षा जो है वो आपस में हम सब लोग एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ठीक है। चलो आप ये सब ले लेता हूँ, ठीक है। तो नेटो में क्या, जैसे मान लीजिए कि 30-32 देश हैं, ठीक है, अलग अलग देश हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और बोलते हैं कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो सभी देशों के को माना जाएगा कि हम पे हमला हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि यूक्रेन पे हमला हो गया, यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य होता, अभी है नहीं वो, ठीक है, तो वो सोचा था कि नेटो पे हमला हुआ है, फिर नेटो की सारी आर्मी मिलकर जो है सामना करती, तो ये अमेरिका का बनाया नेटो, और मेन मकसद क्या था कि रशिया के को काउंटर किया जाए, रशिया के पाव उसको किया जाए, तो रशिया का, अच्छा भाई तुमने नेटो बना लिया, हम भी कुछ बनाएंगे, तो क्या बनाया उन्होंने, सिस्टो बना दिया, अमेरिका के काउंटर में सिस्टो बना दिया, ठीक है। इसने क्या किया, इसमें भी इसने जो रशिया के आसपास के जो कंट्री हैं, ठीक है, आर्मेनिया जैसी जो और कंट्री हैं जो पहले USSR का मेंबर रह चुकी थी, उनका ग्रुप बनाया था, ठीक है, तो उसमें से फिलहाल आर्मेनिया ने अपने आप को अलग कर लिया है, समझ पाए, पहुंच पाए चीजों को, आज भारी 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 हो रहा है ना, अच्छा बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पानी पीने की जरूरत पड़ रही है, अलग से उतर सके नीचे, ठीक है, ये रशिया का है, ठीक है, नाटो के काउंटर में बनाया क्या, ठीक है। तो आर्मेनिया से एक आपको सवाल आता है कि आर्मेनिया का विवाद किस देश का चलता है हाल फिलहाल में, था आर्मेनिया का पड़ोसी है अजरबैजान,
तो अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। और अर्मेनिया को बहुत सारा हथियार जो है इंडिया ने दिया है, इस बार खरीदा, मतलब बेचा बेचा इंडिया ने अर्मेनिया को, ठीक है। आगे बढ़े, जहां पे आपको देखो, मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं कि थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चले, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के करिएगा पढ़ाई की, अगर कहो तो तेज तेज कर सकता हूं मैं स्पीड अपनी। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सोलस चिलिमा जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो मालावी एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका के अंदर, उनके जो उपराष्ट्रपति थे सेलेस चिलिमा, वो एरोप्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। भैया पूछ रहे हो तो कुछ हो, पूछ सकते क्या है, कहते हैं क्योंकि तो इंपॉर्टेंट आदमी मरा है ना, देखो बड़ा आदमी मरा है, उपराष्ट्रपति मरा है, ठीक है। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान करने वाला कौन है? एआई यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित कानून, यानी कि भैया एआई कैसे काम करेगा, ठीक है, कौन से कानून के तहत आएगा। तो कौन सी कंट्री बनी है, कंट्री कंट्री नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने एक कानून को मंजूर दे दिया है जो कि संबंधित है एआई से, पहला है ये, ठीक है। क्योंकि तो अभी तक, अच्छा हाँ एआई की बात करते हैं, याद किया, देखा एआई चैट जीपीटी पढ़ा, देखा चैट जीपीटी को यूज किया, किया था क्या, किया था क्या, ढूंढा उसके अंदर। अरे चैट जीपीटी खोला था आपने? नहीं खोला, क्यों नहीं खोला? आपने तो खैर यूज किया ही हुआ है, किया आपने? पेपर समझ में आता है, एक दिन बाद आता है, चैट जीपीटी मोबाइल खोल सकते हैं ना, है नहीं खोला? ऐसा करोगे तो फिर हम नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ पढ़ाऊंगा फटाफट फटाफट स्पीड से, इतने में क्या अपना पसीना निकाल रहा हूँ यार यहाँ बैठे हुए, जब करना ही कुछ नहीं है आपको तो। हाँ कहाँ ये क्या दिखा इसमें? एआई का ऐप है, उसमें क्या है? हाँ फोटो देख लिया, पढ़ने वाला काम नहीं देखा, फोटो देख ली पहले, कुछ फोटो बनाई अपनी आपने? चलिए भाई, क्या देना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या? ये ऐसा बताओ कि मैं बैठे हूँ यहाँ पर, खड़े हूँ। चलिए ठीक है, करो करो, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो भाई, ठीक है ना, कलयुग का जमाना है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। आप नहीं करोगे तो पता, दूसरा तो कर रहा है। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के बीच में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले पशु और पौधे कौन से हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो जो पशु जिसकी ट्रेडिंग हुई है, शिकार हुआ है, वो है कैंडा, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी हुई है? गैंडे की हुई है, क्योंकि तो उसकी जो सींग है वो मार्केट में बहुत बिकती है। और पौधा कौन सा है? देवदार, क्योंकि तो ये फर्नीचर बनाने काम आता है, देवदार की लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है और पहाड़ों में मिलती है, पहाड़ों की हाई हाई ऑल्टीट्यूड बनती है, पहाड़ से ना ये पहाड़ आपका है तो इस इलाके के अंदर वहां पर जाके देवदार मिलती है, ठीक है। यहाँ पर तो बर्फ पड़ जाएगी आपका, ठीक है, ये आपका स्नो लाइन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस इलाके में जाके वो देवदार मिलता है, सॉफ्ट होती है काफी लकड़ी, फर्नीचर के काम आती है, शाइन करती है, ठीक है। देवदार तो दो ही पशु गैंडे के लिए में, और ये देवदार जो है पेड़ पौधे के रूप में, तो इनके खिलाफ बहुत सारा अपराध हुआ है और ये सबसे ज्यादा नंबर वन पे रहे हैं पिछले 5-6 साल के अंदर। देवदार पौधा नहीं, पेड़ होता है, फर्नीचर बनते हैं आपके आपके सोफे टेबल, ठीक है, खिड़कियों के खिड़कियां बनती हैं, और बहुत ही हाई क्वालिटी की लकड़ी होती है, मतलब अच्छी लकड़ी मानी जाती है, मतलब सस्ती लकड़ी नहीं है, महंगी लकड़ी है मानी जाती है, क्योंकि कहाँ मिलती है? पहाड़ों के ऊपर टॉप पे मिलती है, ठीक है। जैसे घर पे देवदार के लकड़ी लगी है तो मतलब आदमी मोटा सामी है। हाल ही में एलन मस्क, नाम सुना एलन मस्क का? कहाँ पे कहाँ पढ़ा?
अरे क्या किस संबंधित किससे है बताओ तुम? एलन मस्क कौन है? सोशल मीडिया क्या है बताइए? एलन मस्क कौन है? सब लोग यार क्या करें बताओ, कल ये भी बताया था मैंने, कल भी बताया था। हाँ इसके बाद कल भी बताया था। तुम लोग यार इंसान बन जाओ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं यार। तो मेरा बीपी बढ़ा दोगे, मेरा वजन कम करा दोगे, ठीक है? एलन मस्क जो है दुनिया का सबसे नंबर वन रईस आदमी यही चल रहा है इस समय। और हमने कल इसके बारे में क्या पढ़ा था, कौन सी कंपनी है इसकी? स्पेसएक्स। यही पढ़ा था ना उन्होंने, रिवीजन करना सीख लो यार। पता है किस भाषा समझाऊं? वो सब आता है को साइन भाषा ऐसे, क्योंकि तो मैं मुंह से तो बोलूंगा तो समझ में आते ही नहीं आपको, इशारे कर करके समझा सकता हूँ मैं आपको, वो शायद भी समझ में आती हो आपको। तो एलन मस्क जो है, जो कि इस समय दुनिया का सबसे रईस आदमी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम ट्विटर डॉट कॉम से बदलकर एक्स डॉट कॉम कर दिया। ये तो पता ही है ना आपको, क्यों पता है? खबर है, पहले ट्विटर था, एलन मस्क ने खरीदा, उसका नाम एक्स डॉट कॉम कर दिया। ये पता है? पता है, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन छोटे पेपरों में आ जाते हैं कि ट्विटर ने नाम चेंज कर क्या नाम रख लिया अपने, नया नाम तो एक्स डॉट कॉम रखा है। क्योंकि मुझे 100% पता है कि ट्विटर आपने आज तक इस्तेमाल नहीं किया होगा, जरूरत नहीं पड़ी, अभी किया है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो उसका नाम अब एक्स डॉट कॉम हो गया, ठीक है? चलिए भाई। ओ, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? 6G, ठीक है, जो 5G से 20 गुना तेज काम करेगा। जापान ने किया है। अब आप देखो, जब भी एक जी से दूसरे जी में जब जाते हैं हम लोग, पहले जी का मतलब क्या होता है पहले बता दो आप मुझे। हाँ जी, जी का मतलब क्या है? ग्रुप। चलिए और बताइए, जी का मतलब क्या है? एग्जाम में आ चुका सवाल, ये भी आ चुका है। और ये बहुत आज का नहीं है, वो पुराने जमाने, जब जब 2G 3G के जमाने स्टार्ट हुए थे तब जी वाले सवाल पूछे जाते थे। तो मैंने आउटडेट सवाल पूछ लिया आप लोगों से, लेकिन एज यूजुअल मुझे लगता है कि ये तो आता ही होगा। नहीं, गलत। जी और लगाइए तुक्का। हाँ जी फॉर, आप बताइए। अरे तुम भगवान, तुम पूरा गलत। अरे जी फॉर जनरेशन होता है। तुम्हारे 2 दिन में 2 बहुत ही खराब आंसर हुए हैं तुम्हारे, ठीक है? कल अरे चुप हो जाओ यार, पता नहीं। जी फॉर जनरेशन, 5वीं जनरेशन, 4थी जनरेशन, 3री जनरेशन, ठीक है ना? 2G 3G 4G 5G 6G। बल्कि ये तो सवाल पूछने वाला नहीं था, मैं तो कुछ और बताने वाला था। मैं कहता ये तो बेस बनाने के लिए होता नहीं है, पहले सिंपल सा कि हाँ ये तो आता ही हो, अब यहां से बताएंगे आपको। लेकिन ना 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 ना, आप लोग मुझे उस वाले में पहले लेकर आते हो कि ये तो बताना है, ठीक है? तो जी फॉर जनरेशन, ठीक है, एग्जाम में सवाल आ चुका है, बहुत पुराना सवाल है, 4-5-10 साल पहले आता था ये, लेकिन पता नहीं यार किस्मत खराब हो तो आ जाए आपका। अच्छा, अब जब भी मान लो 4G है, 4G से 5G गए, 5G से 6G गए, ठीक है ना? अभी हमारे पहले बताओ, हमारे देश में इस समय कौन से जी चल रहा है? 2G 3G 4G 5G 6G, इस समय हमारे देश में कौन से जी चल रहे हैं जिया जी को छोड़ के? आपने कहा 4 और 5, आपने 2 3 4 5, आप क्या दोनों इसमें 6 लिखे हैं, बताओ ना कौन से दो उसमें, बताओ। थ्री फोर फाइव चल रहे हैं, 2 अभी जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ, इसको 2G खत्म किया गया, वो 3G पे सब आ गया धीरे धीरे, 2G, क्योंकि अब सेट अभी जियो ने अपना शिफ्ट करके सबको 3G पे लेकर आ गया, सब लोग जो सिंगल छोटे वाले। 2G जो है वॉइस से मैटर करता है, सिर्फ वॉइस के लिए होता है,
ठीक है ना, यहां से इंटरनेट शुरू हुआ 3G से, यहां से इंटरनेट शुरू हुआ 4G से, आपका आया स्पीड बढ़ी है ठीक है। और 5G की बात करें, 5G में और स्पीड है, तो अमूमन देखना जब 3G से 4G जाएंगे, 4G से 5G जाएंगे, तो 20 टाइम्स का ही रहेगा, मोटा मोटा समझ लेना। जब 2G से 3G से 4G गए और 4G से 5G जाएंगे, तो दोनों के बीच 20 गुना का ही फर्क रहता है। ये पैरामीटर्स हैं ठीक है ना, ये तो 20 गुने का फर्क रहेगा इस चीज के अंदर। तो जापान ने स्टार्ट कर दिया 6G, समझो इंटरनेट क्या होगा, जैसे अब डाला वैसे खराक से आ गया। अब तो बफरिंग भी नहीं होती ना, तो अब तो आप लोग उस जमाने में आ गए जहां पर बफरिंग वफरिंग नहीं होती है। वो तो हम तो वो है जिन्हें वीडियो खोल मोबाइल में वीडियो चला लें तो धीरे धीरे राउंड एंड घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है वो, ठीक है ना। वो महसूस किया कभी आपने? दिन तो बड़े खराब वो भी दिन था। इंटरनेट खत्म चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99 सदस्य बना? अभी हमने 112 सदस्य देखा था, कौन था 100 वाला? आईएसओ का, आईएसए का मेंबर, बिना देखे बताओ कौन सा सवा देश बना था जो 100 हुआ बना था, बताओ। सवा देश बना था अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सवा देश बना था, कौन था? जब मैंने कहा था कि तो एक और आने वाला है, ये आगे सवाल बताओ। हैं क्या था? पैराग्वे था, वो सवा है, यूनाइटेड स्पेन है ठीक है, दोनों है। मैच द फॉलोइंग करा लेगा, ध्यान रखना। अब बता दो बात है, हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम। बात है, मेरे एक एक सवाल तुम्हारे दो जवाब। मई 2024 में बीबीसी, बीबीसी क्या होता है, नाम सुना है बीबीसी का? बस बस बस, बीबीसी वही ठीक है, वही पता भाई। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, उनकी नेशनल, हमारे दिल्ली, हमारे इंडिया की दिल्ली दूरदर्शन डीडी। और बता दो इसी बात पे कि डीडी ने कौन से एआई दो लॉन्च किए हैं, इनका नाम क्या रखा है? एआई एंकर। बताओ डीडी किसान चैनल था, याद है? ऐसे 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 मत देखो, ऐसा लग रहा है कि मैंने कौन सवाल पूछ लिया। हैरान है सर, ये क्या था, ये तो आपने कब पढ़ाया? मैं अरे कल ही पढ़ाया था। अरे क्या बात है, आता था कृष और भूमि, कृष कृष और भूमि ठीक है ना, दो थे। तो बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यानी कि वो देश जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा है ना, बहुत बड़े टुकड़े होते हैं, यहां से नदियां निकलती हैं ठीक है। अब ऐसा देश जो कि इसके उसके सभी ग्लेशियर खत्म हो गए, कौन सा देश बना है? वेनेजुएला। बेनिन वी होता है, वेनेजुएला। बंद हो गया, खत्म हो गया ग्लेशियर वहां के, वहां पे सब ग्लेशियर गर्मी के कारण खत्म हो गए ठीक है। वेनेजुएला, वेनेजुएला कहां पर है, किस कॉन्टिनेंट में है वेनेजुएला? वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? वेनेजुएला है आपका साउथ अमेरिका में, जो आपने ब्राजील देखा, आपने पैराग्वे सुना, उसके ऊपर साइड में है वेनेजुएला ठीक है। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता, देख लो हमने तो डीडी किसान के बारे में पढ़ा था एंकर, यहां पर कौन है? डिजिटल प्रवक्ता, कि मतलब कोई व्यक्ति जो है वहां पे नहीं होगा, वहां विक्ट्रो क्या है, विक्ट्रोयाशी उसका नाम रखा गया है, जैसे कृषि है, जैसे भूमि है, वैसे नाम है विक्ट्रोयाशी है। वो एक डिजिटल प्रवक्ता है, प्रवक्ता मतलब है कि सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा वो पढ़ के सुनाएगी वो ठीक है। कहाँ कहाँ की? यूक्रेन की। ये सब एआई का दिया हुआ सब कुछ है ठीक है। या देखो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज तो होगा, लेकिन हो ना हो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चेंज ऑफ जॉब्स हो जाएंगे। हाँ हाँ चेंज ऑफ जॉब, नेचर नेचर ऑफ जॉब सब आउटडेटेड, अब आपको अपडेट करना पड़ेगा भैया, सीधी बात है।
जैसे कि जब बैंकों में कंप्यूटर आए तो धीरे धीरे करके लोगों ने वो कंप्यूटर की जानकारी वो करनी पड़ी। तो आप जितनी जल्दी, जो इंसान बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, अगले 5 साल के लिए 10 साल की प्लानिंग कर लेगा, तब तो वो सिस्टम में रहेगा, अन्यथा आउटडेटेड हो जाएगा। और इसी बात बता दो मुझे, किस किस भारत के कौन से राज्य ने एआई का पाठ्यक्रम अपने स्कूल में ऐड किया है? केरल ने, ठीक है ना? उसे पता है कि अगर 10, क्योंकि अगर ये समय निकल गया ना 5-10 साल, तो पीछे हो जाएंगे, कोई और कंट्री आ जाएगी, कोई और राज्य आगे निकल जाएगा। उस समय क्या होगा, उसको मैन पावर चाहिए होगा, लोग चाहिए होंगे, और आपके पास मैन पावर ही नहीं है, तो आप सारा जो जॉब होगा वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो अपडेट रहना पड़ता है कि भाई क्या इंडस्ट्री को किस तरह के लोगों की जरूरत है, ठीक है ना? इंडस्ट्री को किस तरह के, वो क्या स्किल होनी चाहिए। अब वो इंडस्ट्री चाहिए, यहां पर इंडस्ट्री इस तरह की हरकतें कर रही है, और आप पढ़ रहे हो 1970 का। अभी खत्म हो गया, सरकार के पास, सरकार कर्मचारी तो चाहिए ना सरकार को, सरकार अपना कैसे करेगा? तो घर घर पढ़ोगे आप लोग? कोटा पूरा हो गया होगा ना, जितना पिछले 10 साल से 20 साल से भरे भी तो जा रहे हैं, 50-50 हजार, तो कभी तो भरेगा, खत्म होगा ना। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जब आपका आरटीई आया, राइट टू एजुकेशन आया, उस हिसाब से जितना पूरे देश में स्कूल्स खुले, प्राइमरी स्कूल खुले, ठीक है, तो उसमें टीचर चाहिए थे। अब वो पिछले कई सालों से, आप देखो 20 साल से, तो सबसे ज्यादा भर्ती टीचरों की तो हुई है, पर हर जहां जाते हैं वहां सुनते हैं 1 लाख भर्ती हो गई, 50 हजार भर्ती हो गई, तो सुनते आते हैं ना। मैं तो ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन सुनने में आया जाता है। तो जब कोटा पूरा हो गया, अब जो अंदर अपॉइंट हो गया वो अगले 30 साल तो काम करेगा करेगा। अब जब वो रिटायर होंगे, जैसे बैंक का कहानी क्या है, बैंक भी तो बंद हो गया, बैंक भर्ती कितनी कम हो गई है। पिछले 10 साल पहले, 5 साल पहले तक बैंकों में कितनी कितना आता था, 50-50, SBI में 50 हजार वैकेंसी निकल आई। अभी भी ना, हाँ अभी भी निकल रही थी, लेकिन अब वो थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी सी वो चीज क्रेज कम हो गई, क्योंकि भर्ती बहुत ज्यादा हो गई थी, तो जब वो लोग भर जाते तो हो जाता, इसलिए अपडेटेड रहिए भैया। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है। यानी कि 2400 मीटर की हाइट पर पहाड़ के ऊपर वहां पर एक स्विमिंग पूल बनाएंगे और वहां पर कंपटीशन होगा। कहां पर? भूटान में, ठीक है, भूटान में। भूटान कहां है? भूटान कहां है? भूटान देखा है? गए हो? देखा कहां? देखा कैसे देखा? पर तुमने मैप में कहां देखा है? कहां पर है? कहां पर है? इंडिया के बगल में? कौन से बगल में, मतलब किस तरफ, थोड़ा एग्जैक्ट बताओ। अब और कोई बताना चाहेगा? भूटान के, भूटान देखा है? कहां पे है? हाँ गए हम। कहां? इधर सिक्किम के बगल में ना, ये बोलो ना, सिक्किम के बगल में भूटान का बैठता है, तो वहीं पर हो रहा है। भूटान किसके लिए, किन किन चीजों के लिए फेमस है, एक दूसरे बता दो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। दूसरा, भूटान के संविधान के अंदर ना, वहां पर ये रूल है कि 70% तो आपका पेड़ होंगे ही होंगे, 70% पेड़ होने ही होने हैं, चाहे वो इससे ज्यादा काट नहीं सकता, संविधान में लिखा हुआ उनके, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, मैं नाम भूल गया उसका, कुछ थोड़ा सा वैसा है, लेकिन मोदी जी उस चीज को पाने वाले पहले गैर भूटानी इंसान है। पहले मोदी जी ने भाई झंडे गाड़ दिए सीधे, जहां गए वहां पर उन्होंने पहले बन गए अर्जी का सर्वोच्च सम्मान भूटान का, ठीक है, और पहले गैर भूटानी इंसान है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग करनी आती है लोगों को? किसी को क्या स्विमिंग करनी है? आने चाहिए। 24 में
किन तीन यूरोपियन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? किसने दी है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने बोला है कि हम फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन से अंग्रेजी बोलते हैं। कहां पर है पैलेस्टाइन और क्या समझते हैं फिलिस्तीन से आप? क्या समझते हैं कहां पर है फिलिस्तीन? और क्या है फिलिस्तीन? क्या कौन सी खबर सुनी फिलिस्तीन के बारे में आपने? कोई खबर सुनी फिलिस्तीन की आज तक आपने? कौन सी? एक बता दो आप, बताए सुनने का फिलिस्तीन का नाम है? अरे सर वो भी लड़ाई जो किसके साथ थी? ठीक है तो बोलो सर, तो आ रहे हो तो इतना स्लो प्रोसेसर है तो कौन सा जी है भाई? टू जी है, वन जी, कौन सा जी है भाई? क्या सिर्फ डाउनलोड होने में टाइम लगता है क्या? अब आयो ना सही जगह, वही फिलिस्तीन, ये वाला, वही वाला फिलिस्तीन नहीं है। अरे फिलीपींस दूसरा है यार, वो फिलीपींस, फिलीपींस में सवाल अभी है, नीचे फिलीपींस आ गया, देखो ये देखा फिलीपींस आ गया, ठीक है तो ये फिलिस्तीन है, ठीक है पैलेस्टाइन, ठीक है। इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, अब कहानी बताऊंगा नहीं, वो लंबी कहानी चली जाएगी, ठीक है। तो वहां फिलिस्तीन को, जो देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने जो है मान्यता दे दी है। चलिए भाई, हमास जो है फिलिस्तीन के अंदर ही है, उसी का संगठन है वहां पर। तेरह से 15 मई 2024 विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, सारे पूरी दुनिया हाइड्रोजन से पड़ी हुई है, ठीक है। कहां पे आयोजित हो रहा है? नीदरलैंड में रोटरडैम, नीदरलैंड के अंदर जो एक जगह है रोटरडैम, वहां पर विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन हो रहा है। कहां पर है नीदरलैंड? नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? होलैंड, हॉलैंड, हॉलैंड, हाँ पोलैंड दूसरा है होता है, हॉलैंड, पोलैंड के बगल में हॉलैंड, ठीक है। तो उसका नाम, उसने हॉलैंड का नाम चेंज करके उसने नीदरलैंड कर लिया है, ठीक है। वहां पर विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है स्क्वाड। क्या है? स्क्वाड। बहुत इंटरेस्टिंग है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इसका मिलता जुलता एक और नाम आता है जो पेपर में आता है, क्वाड। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। इसके अंदर, दोनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तो कॉमन है, लेकिन स्क्वाड के अंदर फिलीपींस आता है और क्वाड में कौन आता है? इंडिया। काम क्या है? दोनों का ही काम है, साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करना, साउथ चाइना सी सागर में चीन को काउंटर करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखना, क्योंकि नाम मिलता जुलता है, वो आपको सरप्राइज करने के लिए डालेगा आपको वो। ये फिलीपींस है, ठीक है। जो स्क्वाड करता है वही क्वाड करता है, फर्क क्या है? स्क्वाड के अंदर फिलीपींस है, क्वाड के अंदर इंडिया है। दोनों का काम क्या है? चाइना को काउंटर करना साउथ चाइना सी में, कि भाई चीन जो है वहां पर अपने आप के नए नए जगह पे काउंटर, जगह पर कवर कर ले। चीन को काउंटर करने के लिए दो ग्रुप बनाए गए हैं, स्क्वाड और क्वाड, ठीक है। क्वाड मतलब चार, क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड शब्द वहां से आया, क्वाड, तो उसी का मिलता होता है। यहां पर स्क्वाड रख दिया, स्क्वाड तो वैसे होता ग्रुप होता है, ठीक है। चीन को रोकने के लिए। दसवां विश्व जल मंच कहां पर हो रहा है, हुआ है? वह है बाली, इंडोनेशिया में हुआ है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, विश्व जल मंच दसवां
बाली इंडोनेशिया में, इसकी थीम क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया, साझा समृद्धि के लिए जल। एक और आएगा क्वेश्चन 11वां वाले में, 11वां कहां पे होगा? ठीक है, ये 10वां हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, साझा समृद्धि के लिए जल। बाकी ये भी सब पूछ सकता है कि 10वां कहां पे हुआ है? बाली इंडोनेशिया में, वैसे पूछ सकता है आपसे। परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईकोएनएस, आईसीओएनएस, ठीक है, परमाणु सुरक्षा के लिए वहां पर एक सम्मेलन हुआ है। कहां पर हुआ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यानी आपका यूरोप, यूरोप के अंदर एक है जगह, ऑस्ट्रिया में वियना है, वहां पर यह जो है सम्मेलन हुआ है परमाणु सुरक्षा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिकी एजेंसी चंद्रमा पर किस नाम में, किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बना रहे हैं, रेलवे चंद्रमा पे, समझिए चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बन रहा है, उसका नाम क्या है? नासा ने रखा है, रखा फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम है, रेलवे स्टेशन नहीं बन रहा है। रेलवे स्टेशन मतलब क्या है कि वहां जो लोग अंतरिक्ष में जाएंगे या आगे बढ़ेंगे तो वहां से सामान वामान, यहां से पृथ्वी से वहां तक सामान पहुंचा सके, वहां से आगे पहुंचा सके इस चीजों को लेकर, ठीक है। एक रिले सिस्टम है रेलवे का, रिले सिस्टम है, सामान वहां लेके वहां से वहां ले गए, एक और सिस्टम तैयार किया जाएगा वहां पे फ्लोट नाम से। जैसे जैसे सुनीता विलियम्स ऐसे फंसी हुई है ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ना, वैसे ही स्टेशन बनेगा चंद्रमा के ऊपर। 11वां विश्व मंच जल मंच कहां पर हो रहा है? सऊदी अरब में। 10वां कहां पे हुआ? 10वां विश्व जल मंच कहां पे हुआ? इंडोनेशिया बाली। और 11वां कहां हो रहा है? सऊदी अरब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेपाल की वह महिला पर्वतरोही यानी कि माउंटेनियर जिन्होंने मई 2024 में मात्र 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई कर ली। आप लोगों को तीसरी मंजिल में, दूसरी मंजिल में आपकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि महिला ने 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट जो है तीन बार चढ़ लिया। क्या नाम है? पूर्णिमा श्रेष्ठा, पूर्णिमा श्रेष्ठ, पूर्णिमा श्रेष्ठ ने माउंट एवरेस्ट को 13 दिन के अंदर 3 बार चढ़ा है। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है, कौन से देश के अंदर है? माउंट एवरेस्ट कौन से देश के अंदर है? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा, ठीक है। एक पिक्चर अभी आई थी बड़ी अच्छी, ऊंचाई, उसमें एवरेस्ट पे चढ़ने का ही दिखा था। कभी अगर मौका लगे आप चढ़ना चाहोगे माउंट एवरेस्ट पे? हाँ? बेस तक रह सकते हैं, बेस कैंप तक। अगर माउंट एवरेस्ट में नहीं पूरा गया तो बेस तक जा सकते हैं वहां पर। अभी एक यूट्यूबर देखा था मैंने, वो बेस कैंप तक गया था वहां तक, ठीक है। कुछ माँ बाप इतने ज्यादा वो रहते हैं ना कि नाम नेम और फेम के लिए, कि बच्चों को भी ना वो बच्चे की तो इच्छा नहीं रही होगी, 5 साल 6 साल के बच्चे की, है ना भाई, उस छोटे बच्चे की जो इच्छा तो होगी वो तो बहुत से, वो टीवी देखने की, कार्टून देखने की होगी, लेकिन माता पिता ने कहा ना 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 ना, जो हम ना कर सके वो तुम करोगे, तुम्हारे नाम रोशन करोगे हमारा, उसकी भी रेड पीट दी। मैं तो भाई इस तरह समझता हूँ इसी बात है। छोटे बच्चों को तो भाई माँ बाप ही मार मार के तो काम पर लगाते हैं। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा के में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा दिए जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल के लिए।
यूएई ने बोला है कि जो व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा के लिए अच्छा काम करेगा उसको हम नया वीजा देंगे जो ब्लू कलर का होगा और वो 10 साल तक यूएई में रह सकता है। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा आप जाना चाहोगे यूएई? अभी फिलहाल नहीं। आप जाना चाहोगे यूएई में क्या है, कौन सिटी है अच्छी यूएई में, कौन सा शहर बहुत बढ़िया शहर है? अरे वाह रे वाह रे, आपकी ज्योग्राफी में यूएई नहीं नहीं दुबई दुबई सॉरी यू, यू, दुबई में सऊदी अरब है, सॉरी सॉरी दुबई दुबई। ठीक है, मजा आता है आप लोगों से करंट अफेयर्स पूछ पढ़ाने में यार, मजा आता है, मनोरंजन रहता है बिल्कुल। अरे वही तो मजा आता है, ऐसे जोक्स ऐसे सुनने में मिलते कहाँ हैं। हाँ मुझे खुश रखते भाई, ये बात तो है, करंट अफेयर पढ़ाने में मजा आता है लोग, कुछ ही पूछो मजा आए, कुछ मुझे पता कुछ ना कुछ आप लोग हंसी वाली बात बोलोगे बोलोगे। समझ गया मैं, समझ गया मैं पढ़ाया कैसे जाता है, पूछूंगा बड़े छोटे छोटे सवाल। चलो, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर। अभी जो हमने पढ़ा था ना वेनेजुएला के अंदर सारे ग्लेशियर खत्म हो गए, जो आखिरी ग्लेशियर खत्म हुआ था ना उसका नाम था हम्बोल्ट ग्लेशियर। तो वेनेजुएला में सारे ग्लेशियर खत्म हुए, आखिरी जो ग्लेशियर पिघला उसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर। तो इस तरह भी सवाल आ सकता है आपका, ठीक है, उस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है सवाल, हम्बोल्ट ग्लेशियर के नाम में आ सकता है कि भैया कौन सा ग्लेशियर खत्म होते खत्म हो गया, वो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में है। वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट, सबसे विश्व की सर्वाधिक अमीर शहर कौन है? वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में, वहां सबसे ज्यादा अमीर ज्यादा रहते हैं, अमीर ज्यादा मतलब उस शहर के अंदर कितना है, तो आई थिंक 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी वहां पर है, न्यूयॉर्क शहर के अंदर ही है। ठीक है, इंडिया का भी दिल्ली और मुंबई दो हैं शहर, टॉप में ही आते हैं, पर पीछे हैं अगर मैं सही तक जानता हूँ, 22वें 23वें नंबर पे दिल्ली है और वही 24वें 25वें नंबर पे जो है आपकी मुंबई है। ठीक है, वेल्दीएस्ट जिनके पास पैसा है, नॉट जमीन वमीन वाला नहीं, जो कैश वाला है, लिक्विड कैश, ठीक है, शेयर्स कैश ये वाले हैं उनको गिनाया है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर लगातार इंडिया में लगातार बढ़ रही मुद्रा स्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? पहले सवाल देखते हैं, पहले इन 3 4 बातें आप मुझे बताओ, पहले तो बताओ कि ये नाम सुना है आपने, देश का नाम जिम्बाब्वे, नाम सुना है आपने कभी, हैं कहां सुना है जिम्बाब्वे, कहां सुना आपने, कौन सी टीम है, क्रिकेट टीम बोलती है ऐसे ही बोल सकता है, क्रिकेट की टीम है, हमने वहीं सुना है ना क्रिकेट, जिम्बाब्वे को हमने वहीं देखा है। तो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है जिम्बाब्वे, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है जिम्बाब्वे, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, हो गया भाई फिट कर दिया आपने, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है। ठीक है बोलो तो सही, हिम्मत रखो, अरे क्या होगा मैं थोड़ा हंसी दूंगा बस, और क्या कर सकता हूँ मैं आपका, और क्या है इसमें, तो अफ्रीका के अंदर है जिम्बाब्वे, अगर यहां पर देखते हैं ये आपका अफ्रीका है, ये आपका साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे यहां पे आता है कुछ। ठीक है, अच्छा अब सुनो, लगातार बढ़ रही मुद्रा स्फीति इसका मतलब क्या होता है, मुद्रा स्फीति का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई दर, अंग्रेजी में इन्फ्लेशन, हिंदी में मुद्रास्फीति और आपकी बोलचाल में महंगाई, तो उससे परेशान है भाई जिम्बाब्वे, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी परेशान है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। ठीक है, उसने क्या किया फिर, अपनी करेंसी को स्वर्ण समर्थित मुद्रा में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा। अब यहां पर आपको इकोनॉमिक समझनी पड़ेगी, 1970 से पहले तक, 1970 से पहले तक कोई भी कंट्री उतनी ही करेंसी छाप सकती है जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व है। मान लो कि उसके पास 100 किलो जो है गोल्ड है, ठीक है,
जिसकी वैल्यू लेट सपोज 1 करोड़ रुपया, लेट सपोज मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, तो इतनी 1 करोड़ वैल्यू के ही जो है नोट जो है प्रिंट हो पाएंगे। इसे बोलते हैं स्वर्ण समर्थित मुद्रा, जितना गोल्ड होगा उतने नोट छपेंगे। 1970 तक ये सिस्टम था, बाद में वो चेंज हो गया, अब इस बात पे खत्म हो गया है। अब जितनी मर्जी छापो कोई दिक्कत नहीं है, अब जितनी छापो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिएट मनी वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहां पर क्या हो गया कि अब उस ज्यादा नोट छापने से दिक्कत क्या होती है कि महंगाई बढ़ जाती है। अगर ज्यादा नोट छपेंगे तो उससे प्रॉब्लम आती है कि महंगाई बढ़ जाती है, सबके पास पैसा होगा, सब लोग डिमांड करेंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी, ठीक है। जिम्बाब्वे में ही चला, जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन था। क्या था? हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर बहुत जबरदस्त इन्फ्लेशन, मतलब अगर आपको सुबह अंडे और चाय लेने जानी है तो एक बोरा भर के पैसा लेके जाओगे आप, पैसे की वैल्यू कितनी खत्म हो गई, रुपए की वैल्यू। या नोट जो है वो बड़ा बड़ा नोट दिखाई देगा, 2 करोड़ का नोट, क्या भैया चाय पिए कितना हो गया भैया, वो 2.5 करोड़ रुपए हो गए, तो आप 2.5 करोड़ रुपए का दे दो, मतलब आपके नोट की करेंसी की वैल्यू इतनी से गिर जाती है। जब इतनी महंगाई हो जाती है तो नोट उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है। तो जिम्बाब्वे में ये चीज हुई, और एक कंट्री और है वेनेजुएला, उसमें भी यही चीज हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन। एग्जाम में दोनों पूछेंगे आपसे, याद रखना जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का नाम हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से आएगा, यानी कि भयंकर तरीके से मुद्रास्फीति बढ़ गई वहां पर, भयंकर से महंगाई बढ़ गई। तो उस टाइम पर जब रुपया बहुत बुरी तरह खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो नया सिस्टम आते हैं, तो या तो डॉलर चलाते हैं या फिर जिम्बाब्वे ने किया स्वर्ण समर्थित मुद्रा को जिम्बाब्वे ZIG-1 नाम से स्टार्ट किया उन्होंने। अब उन्होंने छापेंगे नहीं नोट, हाँ भाई नोट तो मारेगा, बस नोट छापेगा, ठीक है, इससे महंगाई कंट्रोल किया जाएगा। अब इसे नुकसान क्या होता है, ज्यादा रुपया ना होने की वजह से डिमांड नहीं क्रिएट हो पाती है, तो लोन नहीं मिलेगा, लोन आपकी जो है आपकी जो कंपनियां हैं इंडस्ट्री हैं वो उनके पास पैसा नहीं आ पाता है, मतलब हाँ वो महंगा हो जाना है ना मिलना, एक ही बात है, ठीक है, वो समस्या आती है। तो जो फ्लो है पैसे का वो कम हो जाता है। ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाती मैंने, इतनी इकोनॉमिक्स पल्ले पड़ गई, वैसे इकोनॉमिक्स क्लास होती तो मैं ये पढ़ाता इसी तरह का, इन्फ्लेशन पढ़ाया मैंने, ठीक है, समझना क्या क्या बोल रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई, महंगाई का मतलब क्या होता है डिमांड, ठीक है, तो ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल समझ लो इतना, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो और अच्छे एग्जाम्पल लेकर समझा दूंगा, मोदी जी वाला एग्जाम्पल उधर समझ में आ जाएगा आपको, मैंने फिक्स करके रखा हुआ है वो इस जाने के लिए, महंगाई बढ़ाने के लिए, मोदी जी वाले 15 लाख वाला एग्जाम्पल। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्यों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ये 6 देश हैं, यूक्रेन के बगल में ही हैं, ईस्ट ऑफ यूरोप में हैं। अगर मैप देखोगे सबको जब मिल जाएंगे, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और बगल में पोलैंड है, और फिनलैंड और नॉर्वे थोड़ा ऊपर साइड में है स्वीडन के पास। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमने एक ड्रोन दीवार खड़ा करेंगे, यानी कि उधर से रूस से कोई अगर ड्रोन व्रोन आए तो हम जो हैं उसको काउंटर कर सकें, क्योंकि सब नाटो के सदस्य हैं। अच्छा यूक्रेन का समस्या क्या, यूक्रेन नाटो सदस्य है नहीं, तो लड़ाई यूक्रेन और नाटो की, यूक्रेन और रशिया की हो तो रही है, लेकिन नाटो खुल के नहीं आ रहा इसके अंदर यूक्रेन के साथ, ठीक है, पीछे सपोर्ट कर रहा है, हाँ पीछे वो जुड़ नहीं रहा ना, पीछे से सपोर्ट हो रहा है, तो ये सब पीछे वाला काम कार्रवाई है, रशिया को तंग करने वाली बात है बस। कहने को लड़ाई यूक्रेन और रशिया की है, लेकिन सच्ची लड़ाई जो है वो रशिया और अमेरिका की हो रही है, सारा हथियार वथियार सब यूक्रेन को दिया हुआ है खूब अचक के। कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार कौन सा देश करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलंबो प्रोसेस वो है भारत, कोलंबो प्रोसेस में भारत पहली बार अध्यक्ष बनेगा। अब बोलो कोलंबो प्रोसेस क्या, पहले मैं पूछूंगा आपसे कोलंबो कहाँ है, कोलंबो किस देश के अंदर है, कोलंबो कोलंबिया में है, कहाँ है कोलंबो, नाम सुना है कहाँ, हाँ वैसे बोलते थे कि हाँ बिल्कुल सर पेपर रोज पढ़ते हैं,
सुना है कहाँ है कोलंबो? अगर क्रिकेट देखते ना तो पता होता कोलंबो कहाँ है ना। क्रिकेट देखते ना, अमेरिका में क्रिकेट होता है, और हम बता रहे हैं हम कोलंबो की श्रीलंका में। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। क्योंकि इनका दिमाग पहले इधर जाता है उधर जाता है, घूमता है फिरता है। नहीं अभी अभी इसी तरह से रखिए, इसी तरह रखिए, करण अर्जुन वाला दिमाग भी हो जाएगा आपका, बिल्कुल पीछे जन्म की यादें हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलो चलो चलो, अभी बाद में घरेलू प्रॉब्लम बाद में, ठीक है। कोलंबो प्रोसेस क्या है? कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका में है। पहली बार इस प्रोसेस का, इस सभा का अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। अब सवाल आएगा कि ये है क्या चीज कोलंबो प्रोसेस? तो भैया ये है जो एशियाई देश के लोग विदेशों में काम करने आते हैं, ठीक है ना, उनके रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। यानी कि इस ग्रुप के माध्यम से जो लोग विदेशों में काम करने जा रहे हैं, यानी कि मान लो कतर में गए, यूएई में गए, सऊदी अरब में गए, अमेरिका गए, एनआरआई तक मतलब जो काम करने आते हैं, ठीक है, तो वहां पर उनको दिक्कतें क्या आ रही हैं, उनको किस तरह रोजगार मिल रहा है, क्या समस्या आ रही है, पूरा मैनेजमेंट कोलंबो प्रोसेस के माध्यम से ही होता है। इसमें अलग अलग कंट्रियां होंगी। अब देखो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया। हाँ, तो अगर उनको दिक्कत आएगी तो वो कहाँ पे जाएगा? तो उनकी परामर्श प्रक्रिया है ये कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर बातचीत करना है कि अगर उनके हित खराब हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत आ रही है। मान लो कोई देश ने कुछ कानून बना दिया जिससे कि प्रवासी मजदूरों को दिक्कत आ रही है कि भाई आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, या आप अगर आओगे तो आपको इतना रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, तो वो सबको जो कौन करेगा, कोलंबो प्रोसेस जो है हैंडल करेगा चीज को लेकर। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान की अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन सी है? ब्रिगेडियर के पद पर, लेकिन नॉर्मल ब्रिगेडियर नहीं है, मेडिकल का ब्रिगेडियर है, मेडिकल कोर, यानी कि आर्मी के अंदर जो मेडिकल विभाग होता है उसके ब्रिगेडियर पद तक पहुंची है पहली अल्पसंख्यक है डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, यानी कि एक क्रिश्चियन है, ईसाई है, जो कि इस बड़े पद तक पहुंची है। पाकिस्तान से उम्मीद आप कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान जानते हो कि वहां पर क्या हालत है, लेकिन अगर कोई ये महिला अल्पसंख्यक महिला पहुंच रही है तो करंट अफेयर का सवाल तो बनता ही है फिर, क्योंकि वहां पर कई बार ना हिंदू एक जज बन गई थी तो उस समय करंट अफेयर सवाल बन गया था, ठीक है। कोई अगर हिंदू नेता जीत जाती है, लड़की महिला जीत जाती है, तो उस करंट सवाल मिल जाता है वो, ठीक है। हेलन मैरी रॉबर्ट्स, विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह के मेजबानी किस देश ने की है? सऊदी अरब ने की है, कल परसों का मूड शायद, जल्दी लिखो, पर टाइम हो गया, खत्म करना है 10 मिनट में। विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह के, विश्व पर्यावरण दिवस को जो है वो सऊदी अरब में इसका हुआ है, क्या नाम है समारोह हुआ इसका, लिखो फटाफट। वह देश जहां पर चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया में सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, ये पढ़ाया था मैंने लोगों को, याद है, भूल गए, तामजा ब्लू होल मिला है, कौन सी देश जिसकी गहराई जो है 1380 फीट है, वो मैक्सिको के अंदर एक ऐसा पानी के अंदर जो है एक गड्ढा मिला है, ठीक है, उसको तामजा होल कहते हैं, जिसकी गहराई 1380 मीटर है, फीट है, 1380। मैक्सिको कहां पर है? मैक्सिको कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? मैक्सिको साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, भाई ठीक है। दो 2025 में होने वाले 81वीं अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ AITA की वार्षिक आम बैठक भारत में होगी, खास नहीं है, लिख लेना सीरियस, IATA की इतनी बैठक कहाँ है भारत में, इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये भी खास नहीं है। दुनिया की पहली EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करने वाली कौन सी है? वॉल्वो कार्स, इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा छोड़ दो, मतलब छोड़ के दो, मतलब लिख लेना बाद, पढ़ लेना बाद में।
किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय पूरा करने के रिकॉर्ड बनाया है? 1000 दिन अंतरिक्ष में रहते हो, 1000 दिन हो गए, लेकिन एक बार में नहीं किया, मतलब मिला मिला के 2-3 बार गया होगा ये, ठीक है। तो ओलेग, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कोनोनेको, ठीक है, क्योंकि ये 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 रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने ना, 1000 दिन वहां पर रहे हैं भाई अंतरिक्ष के अंदर, ठीक है। सुनीता विलियम्स तो है ही है, लेकिन ये दूसरे वाले हैं, ये नहीं, वो नहीं है, ओलेग कोनोनेको, ये रूसी है, ये रूसी अमेरिकन आदमी है, ठीक है। ये अलग अलग अपने देश की तरफ से गए होंगे ना, ये नहीं फंसा नहीं है, ये गया था वापस आ गया, अरे मुझे 10-15 साल के अंदर अलग अलग टाइम पर गया वो, ठीक है ना। ये है इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि रिकॉर्ड बनाया 1000 दिन पूरे किए हैं उसने, ठीक है, क्योंकि पक्का मुझे पता है इसका, ये सवाल अगर आया तो सुनीता विलियम्स का नाम जरूर आएगा, ठीक है, सरप्राइज करने के लिए आपको। अगर हाँ सुनीता विलियम्स तो वहीं पर है, रिकॉर्ड बना दिया उसने, रिकॉर्ड नहीं बना दिया, बेचारी फंसी हुई है वो, अरे ना बनाए, ठीक है, सुरक्षित आ जाए वापस। वह देश जहां स्थित माउंट ईबू, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, किस देश में है? इंडोनेशिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, माउंट ईबू पूछेगा आपसे वो कहां होता है, माउंट ईबू इंडोनेशिया के अंदर, और इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की जगह बाली, बाली में वहां पर विश्व जल मंच, 10वां विश्व जल मंच, माउंट ईबू, ठीक है। हाँ फटाफट देखो जल्दी, हाँ इंडोनेशिया, हाँ भाई मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन हुआ था भाई इंडिया में, मुंबई के अंदर, पहला सवाल तो बनेगा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, नॉट मिस यूनिवर्स, क्या फर्क है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन के अंदर, ये फर्क है, मैं फर्क बोल रहा हूँ मैं आपसे, ब्रह्मांड में मंगल ग्रह औरतें लड़कियां आती है क्या, मंगल चांद सितारे, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, क्या फर्क है इनमें, पता ही नहीं है, पहले समझते हैं। इंडिया, इंडिया का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वैसे हर देश में यही चीज होता है कि एक 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 होता है नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन होता है, जिसे हम बोलते हैं फेमिना मिस इंडिया, फेमिना कंपनी का नाम है, तो मतलब तो इंडिया का कॉम्पिटिशन होगा फेमिना मिस इंडिया, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट आएगा, जो मिस इंडिया बनेगा, वो लड़ेगा जाके कॉम्पिटिशन मिस यूनिवर्स में, जो फर्स्ट आएगा वो लड़ेगा मिस यूनिवर्स, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में, जो सेकंड आएगा वो जाएगा मिस वर्ल्ड वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में जाएगा, जो थर्ड आएगा वो जाएगा एशिया पैसिफिक जो है उस पर लड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन फर्स्ट आई थी इंडिया की, जब मिस वर्ल्ड इंडिया की जो कॉम्पिटिशन हुआ था 93-94 में, सेकंड आई थी ऐश्वर्या राय, वो गई मिस वर्ल्ड में, ठीक है ना, फिर 90s में आती है एक दिया मिर्जा आती है, वो बनी थी मिस एशिया पैसिफिक, ठीक है, थर्ड आई थी वो, इंडिया की तरफ थर्ड थी, तो थर्ड वाले एशिया पैसिफिक में जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो यहां पर मिस वर्ल्ड हो रहा है, तो हर जो कंटेस्टेंट था जो सेकंड था अपने देश में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और यहां पर जीता कौन है, हुआ कहां पर है, मुंबई में, एग्जाम्पल ध्यान रखना मुंबई में हुआ है, और जीता कौन है, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीन ना पेस्कोवा, पेस्कोवा, ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर थक गए हो तो बता दो, छोड़ देता हूं मैं, याद रखना एग्जाम आरओ में 2-4 साल पहले सवाल आया था, ये करंट मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के सवाल आते हैं, आरओ में आया हुआ था, चेक रिपब्लिक यूरोप के अंदर है, ठीक है, जिसका नाम चेकिया हो गया, चेक रिपब्लिक का नाम लिखे चेकिया, ठीक है, क्रिस्टीना पेस्कोवा, आप लोग हालत देखे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बोझ आ गया, खत्म ही कर रहे हैं आप 2-3 मिनट, चलो। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश, अब ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं यार, बिना समझाए तो पल्ले नहीं पड़ेगा यार, लोगों को क्या बताएं, क्या करा जाए यार, पढ़ाना आपको है नहीं, और सारी जिम्मेदारी हमारे पर आ जाती है। उत्तरी यूरोप के में कोई कौन सा वो नॉर्डिक देश है जो कि नाटो का 32वां मेंबर बना है? स्वीडन, अब ध्यान देखते हैं, उत्तरी यूरोप है, ये आपके पृथ्वी हो गई, यहां पर जो कंट्री है ये जो है, ठीक है, यहां पे आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहां पे साउथ अमेरिका, यहां पे आपका
एशिया, ये आपका यूरोप, यूरोप में भी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है जहां पर आपका डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्डिक, नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां की भाषा वैसी है, ठीक है, भाषा जो नस्ल है इस कारण उनको उन कंट्रीज को नॉर्डिक बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का एक स्वीडन जो है वो नाटो का मेंबर बन गया है, 32वां, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और स्वीडन से क्या निकला था? सिप्री, याद है, सिप्री निकला था, जो क्या करता सिप्री, भूल गए, सिप्री क्या करते हैं, हाँ, वो जितने भी वेपन वाला जो होता है उस पर रिपोर्ट जो है, हथियार हथियार और ऊपर जो है रिपोर्ट ही बनाता है, निशस्त्रीकरण भवा। देखिए हैरी पॉटर, तुम देखिए, देखिए ना, तुम देखिए हैरी पॉटर, कोई मूवी देखी हैरी पॉटर की? हमारे बचपन की, वो हमारा बचपन का हिस्सा हीरो है वो, हैरी पॉटर अच्छा था, हमें तो बड़े मजा आता था, सारे सारे देखा, बिल्कुल लग लग के देखे हैं, शुरू में ज्यादा अच्छे हैं, बाद के मुझे थोड़ा सा बकवास हो गया, शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आज के लोग एवेंजर वाले फैन है, स्ट्रेंजर थिंग्स क्या चीज है, ये पिक्चर है, वो है ना, वेब सीरीज, वेब सीरीज नहीं देखी है, इंडिया वाली है, विदेशी, अभी तो कल हमने स्त्री देखी है, स्त्री टू, वो भी पायरेटेड वर्जन में यूट्यूब पे आ गई, हमने देख ली। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने के संविधान को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि गर्भपात कराना जो है वो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है, कि संविधान के अंदर जो है उसमें लिख दिया गया, फ्रांस ऐसा पहला कंट्री बना जिसने अपने संविधान के अंदर गर्भपात कराना जो है उसके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। भारत में ऐसा है क्या? अगर गर्भपात होता है क्या क्राइटेरिया है गर्भपात का, बताइए, कितने भ्रूण, कितने हफ्ते के बाद आप गर्भपात नहीं करा पाओगे, हफ्तों बताओ, हफ्तों के अंदर, मध्य हफ्ते में बताओ, 20 हफ्ते तक रहता है, 20 हफ्ते से पहले आप करा सकते हो गर्भपात, 20 के बाद नहीं करा पाओगे इन एक्सट्रीम कंडीशन। अगर 24 हफ्ते होते हैं, ठीक है, तो फिर एक पैनल बनेगा डॉक्टर्स का, वो लोग बैठकर अगर अलाउ कर देते हैं तो 24 हफ्ते का होता है, ये लेटेस्ट गाइडलाइन है, पिछले 2-4 महीने पहले की बात है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो 5 मिनट और कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं, ये ज्यादा पेज पढ़ लेते हैं बस। अच्छा भाई, मार्च 2024 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर, क्या मतलब है, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे भाई, जनता बच्चे ही नहीं पैदा कर रही है, सबसे कम प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट, क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है अमूमन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आते हैं एग्जाम में। सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया की सबसे कम प्रजनन दर है, कितनी है, जहां तक मुझे आंकड़ा याद आ रहा है 0.7, यानी एक औरत एक बच्चे पूरा नहीं पैदा कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि हाथ पैर नहीं होंगे, मतलब ऑन एन एवरेज। इंडिया की क्या है? 2.0 चल रहा है, ठीक है। 2.1 क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेशियो होता है। इस रेश अगर किसी देश के अंदर 2.1, इंपॉर्टेंट दिखते जाना सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करो यहां पे। 2.1 का मतलब होता है रिप्लेसमेंट रेशियो, हाँ, जितने सिस्टम में मर रहे हैं उतने सिस्टम में आ रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल रहती है, जितना गया उतना आया, इससे कम होंगे
तो आउटगोइंग ज्यादा हो गई, इनकमिंग कम हो गई, ठीक है, मर ज्यादा रहे हैं और बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, ठीक है। कोरिया के अंदर 0.7 है, इसका मतलब क्या होगा कि लोग ज्यादा मर रहे हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इसकी इकोनॉमी फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा, क्योंकि मजदूर नहीं मिलेंगे, काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। पिछले 8 साल के अंदर, इस तिमाही के अंदर रिपोर्ट आई, इस तिमाही के अंदर पहली बार 8 साल के अंदर साउथ कोरिया की ये जो प्रजनन दर है 12% बढ़ पाई है, 12% अभी, मतलब ये 12% टोटल नहीं, मतलब पिछले बार से मुकाबले 12% बढ़ी है, 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ। और करके आ रहे हैं, मतलब पूरे देश खत्म हो जाएगा। आप देखो ना कि होगा क्या, नए बच्चे आएंगे नहीं, लोग बूढ़े हो जाएंगे, काम करने के लिए भी मैन पावर नहीं रहेगी, फिर आपको फिर माइग्रेंट्स, जैसे यूरोप में नहीं का हालत हो गई है कि माइग्रेंट्स लाते हैं, और फिर जब माइग्रेंट्स आएंगे तो फिर वो अपना कल्चर लेकर आएंगे और फिर वो उधम मचाएंगे, फिर जैसे यूरोप में हो रहा है। तो इंडिया समहाउ ठीक चल रहा है अभी, 2.1 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, बच्चे ज्यादा हैं, बूढ़े कम है, फिर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। 2.1 से कम है तो बूढ़े ज्यादा हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे ज्यादा, बूढ़े ज्यादा, बच्चे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो 2.1 के आसपास रहना चाहिए आपका, जो कि इंडिया इस समय ठीक ठाक है, ठीक है, चल रहा है इस समय ठीक ठाक। इंपॉर्टेंट चीज लिखवाइए ध्यान में, एग्जाम में आता है ये, लिखा लिख लिया था, कहानी तो सुनी ली तुम लोगों ने। और कतर एयरवेज ने पहली एआई एयर होस्टेस को भी लॉन्च कर दिया है। तो एयर एआई हमारा एंकर आ चुका है, एआई हमारा जो है वो मौसम की न्यूज एंकर भी आ चुकी है, और फिर एक एआई हमारी जो है वो प्रवक्ता आ चुकी है, अब ये एआई एयर होस्टेस भी आ गई है, ठीक है, जिसका जो कतर एयरवेज में समा 2.0 नाम है इसका, नाम ये बड़े बड़े रखे हैं लोगों ने, ठीक है, कतर एयरवेज। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नोट कर लो, ये एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, नोट कर लेना, ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन होता है, ये यूएन है, यूएन की एक जनरल असेंबली होती है, इसके अंदर सभी मेंबर होते हैं, जितने भी यूएन के मेंबर होते हैं सब बैठते हैं, और उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, यूएनजीए, इसे बोलते हैं यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका एक पार्ट है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सी काउंसिल, इसमें क्या है, 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, कौन, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, ये 5 मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, इसकी है सिक्योरिटी की, यूएनएससी, ठीक है, वैसे और भी काम होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल समझो ये 5 ये परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, हर 2 साल के अंदर, ठीक है, 10 मेंबर जो हैं वो टेम्परेरी मेंबर जो हैं वो ऐड होते हैं, टेम्परेरी मेंबर, ठीक है, हर पूरे कॉन्टिनेंट के हिसाब से 2 साल के लिए, 2 साल के लिए मेंबर्स, 10 मेंबर जो हैं वो हर दूसरे साल में ऐड होते हैं, ठीक है। तो इस बार अस्थायी मेंबर जोड़े गए हैं, ठीक है, कौन कौन से, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस, अब हर कॉन्टिनेंट से आ गया, देखो पाकिस्तान एशिया से, सोमालिया यूरोप से, अफ्रीका से, डेनमार्क यूरोप से, पनामा साउथ अमेरिका से, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका से, और ग्रीस आपका यूरोप से भी आ गया, हर कॉन्टिनेंट से एक एक बंदा आ गया। और ये एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नया अस्थायी मेंबर नहीं आया है या आया है, जैसा भी है सवाल आ जाएगा आपका, ठीक है, थ्योरी समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई, यूएनजीए, यूएनएससी, सब समझ आ गया, पल्ले पड़ गई है, रिवीजन कर लेना बेटा जाके, मैंने हर एक चीज कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश तुम लोगों को की है, लेकिन प्लीज यार, अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, भूल जाओगे, फिर से सारी मेहनत गुड़ गोबर हो जाएगी, फिर मैं आपको अगली बार से पीडीएफ पकड़ा दूंगा, अगर पढ़ना नहीं होगा तो, फिर आप अगर रिवीजन नहीं करके आओगे तो पीडीएफ दे दूंगा, बोलोगे जाओ, फिर मैं भी बोलूंगा हाँ मेरे नोट से तो आया ही है, आपके दिमाग में आया हो ना आया हो,
WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र क्या है जिनेवा में वॉक द टॉक एक मतलब WHO ने कर रहा होगा ठीक है उन्होंने जिनेवा फिगर में कर दिया ठीक है धन्यवाद कुछ नहीं लिख लो आखिरी लाइन है बस आखिरी पन्ना है बस ज्यादा कुछ नहीं है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर सवाल बन जाता है ठीक है अमेरिका ने ना एक काम किया अमेरिका ने एक जलवायु उपग्रह डाला है कौन सा प्री फायर जलवायु यानी क्लाइमेट को चेक कर रहा है ठीक है तो छोटा सा तो हो सकता है कि सैटेलाइट के ऊपर उपग्रह के ऊपर एक सवाल पूछ ले आपसे तो हर उसके ऊपर आप ध्यान रखना कि प्री फायर नाम का जलवायु उपग्रह जो कि जलवायु देखता है क्लाइमेट देखता है किसको पृथ्वी के ध्रुव को ध्रुव का मतलब क्या होता है पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल्स ठीक है इनको स्टडी करने के लिए अमेरिका ने अपना एक उपग्रह भेजा जिसका नाम है प्री फायर बस ठीक है दूसरा सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा गया है जिबूटी के अंदर क्या बोल रहा है यार ये समझ लो इसको अभी हम क्या करते हैं मच्छर को मारने के लिए क्या करते हैं हमने मच्छर मारने के लिए ऑल आउट लगाते हैं ओडोमॉस लगाते हैं वो अगरबत्ती लगा देते हैं ठीक है लेकिन वो सब खतरनाक चीजें हैं उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है जुबिटी ने क्या किया उसने मच्छरों के डीएनए में चेंज कर दिया अब मच्छर जो प्रजनन करेंगे तो उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे समझ रहे हो डीएनए अनुवांशिक रूप से जेनेटिक रूप से उन्होंने कर दिया उनको अब ये भी समझ पा रहे हैं कि अभी कि इसका दुष्प्रभाव प्रभाव क्या पड़ेगा जब आप नेचर से गड़बड़ करोगे तो मुझे लगता है बड़े बड़े बच्चे मच्छर निकल के आ जाएंगे कुछ और खतरनाक मच्छर हो जाएंगे भाई ये तो आपने अपना दिमाग लगाया ना लेकिन अभी जो नेचर अपना दिमाग लगाएगी तो पता लगेगा ना जिबूटी कहां है जिबूटी तुम लोग यार सब मेहनत गुड़ गोबर अगर तुम्हें हॉर्न ऑफ अमेरिका अफ्रीका पता होता ना तो जिबूटी बता दो तुम्हें होती कहां है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन सी कंट्री आती है हॉर्न अफ्रीका में अरे बताओ ना पांच बता दो इटेरिया हाँ जिबूटी सोमालिया इथोपिया है ना उसी का भाई का जिबूटी यही है आ गया फटाफट देखो दो रह गए मैं थक गया हूं अभी इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान जिबूटी सबसे लंबा पैदल यात्री का सस्पेंशन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो पैदल यात्री का है और घूम ऐसे ना झूला झूले वाला ठीक है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी नाम का एक ब्रिज है कभी झूले वाले उसमें गए हो एक बड़ा झूला हो जिसमें लक्ष्मण झूला देखा लक्ष्मण झूला जो हिलता वैसे करके ना ऐसे कोई झूला है जो कि हंगरी में है ठीक है ऋषिकेश ठीक है सही बताइए एक कंपनी है बस लास्ट आखिरी है बस ये आखिरी एक निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स एक कंपनी है इसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स उन्होंने चांद के दक्षिण ध्रुव पर यानी कि जहां पर चंद्रयान गया था हमारा वहां पर अपना एक लैंडर उतारा है ठीक है इसका नाम क्या है लैंडर ओडिसियस और हमारे लैंडर का नाम क्या था हमारे लैंडर का नाम क्या था हमारे लैंडर का चंद्रयान में जो था लैंडर उसका नाम क्या था मेरा देखिए बताओ हमारे लैंडर का नाम क्या था विक्रम याद रखो कॉन्फिडेंस रखो यही लैंडर ओडिसियस यहां पे आ गया हमारा लैंडर विक्रम और रोवर कौन सा था प्रज्ञान प्रज्ञान ठीक है तो ये यहां पे देखा है